कर रही है। विधायक अशोक चांदना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर कहते नजर आए कि जब सरकार के अंदर इस तरीके के काम होंगे तो फिर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करने से, मांगों को उठाने से नहीं चूकेगी। जरा फिर सुनिए। बेरोजगारी पूरे देश में छाई हुई है, पेट्रोल की कीमतें हर दिन से आसमान छू रही हैं, रफेल के ऊपर लाखों करोड़ का घोटाला, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश का आम आदमी, आम युवा रोजगार मांग रहा है, आम युवा नौकरियां मांग रहा है, आम युवा को रफेल के अंदर जांच होनी चाहिए। इसमें अनिल अंबानी लाखों करोड़ रुपए बनाना चाहता है, वो इस देश का, प्रदेश का युवा और यूथ कांग्रेस का साथी कभी होने नहीं देगा। उनको निर्मला सीतारामन को इस डील के बारे में पता नहीं है। निर्मला सीतारामन को जब नरेंद्र मोदी ने फ्रांस चले गया 10 तारीख, तब लेके गया। मैं एक बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, कोई हार्ट ऑपरेशन के लिए, आप बताओ इस देश में कोई किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट ऑपरेशन के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास जाता है क्या? नहीं है। ऐसा ये सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी ने, इसके लिए हमने छोड़ेगा नहीं। हम लोग सड़क पे उतर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस रफेल घोटाले के बारे में वो लोकसभा राज्यसभा में आके बोलना होगा, इस देश का नौजवान का तो। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चांदना यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए और सीधे तौर पर कहा गया कि पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी और राफेल डील, इसको लेकर जिस तरीके से देश को लूटा जा रहा है उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है। अब जरा सोचिए, अशोक चांदना इससे पहले भी विधानसभा का घेराव करते आए, किसानों ने आवाज उठाई, जब जब छात्रों ने आवाज उठाई, जब जब बेरोजगारों ने आवाज उठाई, कभी लाठी से तो कभी गोली से उनके आंदोलन को कुचला गया। मैं बताना चाहता हूं, मैं बूंदी जिले से आता हूं, जब वसुंधरा जी का बूंदी जिले का दौरा था 1 साल पहले, तब हमारी बहनें जो गांव गांव में आशा सहयोगिनी के रूप में काम करती है, छोटी छोटी स्कूलों में बच्चों का ध्यान रखती है, उनका आंदोलन चल रहा था। वसुंधरा जी उन सभी 500-700 बहनों को एक सरकारी हॉल के बाउंड्री के अंदर उन्हें पूरे दिन बंद किया गया, उन बहनों का अपमान किया गया। और इसी